But if you close your eyes. Hello guys and welcome to Comic Book Universe. आपको टाइटल से इस कॉमिक बुक का पता चल ही गया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सुपरमैन अर्थ वन स्टोरी की तरह ये भी एक ओरिजिन स्टोरी है। सीन की शुरुआत होती है गोथम शहर से, जहां एक क्रिमिनल किसी छत पे भाग रहा है। बैटमैन उस क्रिमिनल के पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहा है। भागते हुए बैटमैन रुकता है और अपनी जेब में हाथ डालता है। वो अपनी जेब से एक डिवाइस निकालता है। बैटमैन क्रिमिनल की तरफ एम करके डिवाइस का बटन दबाता है और देखता है कि डिवाइस की वायर्स आपस में उलझ चुकी हैं। अब बैटमैन उस डिवाइस को गिराकर उस आदमी के पीछे भागता है। वो क्रिमिनल उस छत से नीचे सीढ़ियों के सहारे आ रहा है। तभी सीढ़ियों का एक स्क्रू निकलता है, जिससे सीढ़ियाँ गिरने लगती हैं। अब वो क्रिमिनल टॉम क्रूज की तरह पास की छत पर जाकर गिरता है। वहीं बैटमैन भी उसके पीछे छत से कूदता है और आगे वाले छत की तरफ उछलता है। वो क्रिमिनल बैटमैन के चेहरे को देखकर डर जाता है, लेकिन बैटमैन उस छत से थोड़ा सा दूर रह जाता है और नीचे गिरने लगता है। वो एक एसी के पंखे को पकड़ता है, लेकिन वो टूट जाता है और बैटमैन नीचे डस्टबिन में आकर गिरता है। अब बैटमैन अपने पैरों पर खड़ा होता है। तब उसे सुनाई देता है कि कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। अब बैटमैन चिल्लाने वाले की तरफ देखता है और सामान लूटने वालों को पकड़ने के लिए एक गली की तरफ भागता है। उस गली में उसे एक औरत दिखाई देती है, जो बैटमैन को देख कर डर जाती है और कहती है कि मुझे मत मारो, मैं तो बस सर्दी से बचने की कोशिश कर रही हूँ। अब बैटमैन अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उस औरत को देता है। बैटमैन पास में खड़ी पुलिसमैन की गाड़ी को चुराता है और क्रिमिनल्स को पकड़ने चल पड़ता है। ये गाड़ी जैकॉब वीवर की है। उसकी पिक्चर्स में बैटमैन एक लाइटर को देखता है। इस लाइटर का बैटमैन से क्या रिलेशन है, ये आपको बाद में पता चलेगा। अब हम बैटमैन के पास्ट में चलते हैं। हमें एक घर दिखाई दे रहा है। उस घर के पास काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तभी एक टैक्सी आती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है। ये आदमी छड़ी के सहारे चल रहा है। वो घर के पास जाता है तो हम देखते हैं कि ये घर थॉमस वेन का है, जो ब्रूस वेन का फादर है। वो गेट खोलता है तो उसे सामने एक सर्वेंट मिलता है, जो उससे कह रहा है कि मिस्टर वेन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ। जिस पर वो कहता है कि मैं संभाल लूँगा। तभी थॉमस वेन उसे देखता है और कहता है, अल्फर्ड मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम सच में आ गए। अब वो अपने सर्वेंट को कहता है कि तुम अल्फर्ड से बैग लेकर गेस्ट क्वार्टर्स में रख दो। अल्फर्ड थॉमस को कहता है कि लगता है कि तुम्हारा मेडिकल का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, तुमने एक अच्छा घर बना लिया है। जिस पर थॉमस कहता है कि इसे मार्था के दादा ने बनवाया था। अल्फर्ड कहता है कि मैंने तुम्हारे विरोधी के बारे में पढ़ा है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, फिर भी तुम उससे बात कर रहे हो। थॉमस कहता है कि माना कि वो शहर में कई सारे ग्रुप्स और आधे जजेस को कंट्रोल करता है, लेकिन वो गोथम के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अभी इलेक्शन भी पास में नहीं है। तब वहाँ पे मार्था आती है। मार्था थॉमस की पत्नी है। शादी से पहले उसका नाम मार्था अक्रम था, यानी कि वो अक्रम फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि थॉमस वेन फैमिली से। थॉमस अल्फर्ड को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ से मिलाना चाहता हूँ। अल्फर्ड कहता है कि तुम्हारी पत्नी दिमागी तौर से बीमार लोगों की वकील है और तुम्हारी तरह ही फेमस है। मार्था अल्फर्ड से हाथ मिलाती है और कहती है कि आखिरकार इतने सालों के बाद मैं उस आदमी से मिल रही हूँ जिसने मेरे पति की जान बचाई थी, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। जिस पे अल्फर्ड कहता है कि तुम्हारे पति की वजह से मैं फिर से चल पाया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पति का एहसानमंद हूँ। मार्था कहती है कि तुम्हें ब्रूस से मिलना चाहिए। वो ब्रूस को आवाज़ लगाती है। अल्फर्ड थॉमस को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जान से मारने की धमकी कौन दे रहा है, तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्योंकि तुम सुरक्षा चाहते थे ऐसे लोगों से जो तुम्हारे अपने हैं, जो यहाँ पार्टी में मौजूद हैं। जिस पे थॉमस कहता है कि जैसे ही मैं ऑफिशियली चुना जाऊँगा हम काम पे लग जाएंगे, लेकिन आज रात नहीं, आज मैं केवल एक पिता हूँ। तब वहाँ ब्रूस भागता हुआ आता है और कहता है कि डैड चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। थॉमस अल्फर्ड को बताता है कि मैंने ब्रूस को उसकी पसंदीदा मूवी दिखाने के लिए प्रॉमिस किया था, मेरी पत्नी मेरे साथ जा रही है, हम हर वीकेंड पे बाहर जाते हैं। जिस पे अल्फर्ड कहता है कि आज तुम कहीं नहीं जाओगे, अगर तुम नहीं माने तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। थॉमस कहता है कि इलेक्शन के बाद में मैं तुम्हारी चिंता को समझ सकता हूँ, लेकिन आज मुझे जाना होगा, मैं ब्रूस को एक नॉर्मल लाइफ देना चाहता हूँ। जिस पे अल्फर्ड गुस्सा होता है और कहता है कि कैसी नॉर्मल लाइफ, और वह भी इस मैंशन में इन नौकरों और खाना बनाने वालों के बीच में
तुम्हारे इस मैंसन से बाहर लाइफ बहुत बुरी है। थॉमस कहता है कि मैं जानता हूँ कि लाइफ कितनी बुरी हो सकती है। अब थॉमस अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेकर बाहर जाता है, जबकि अल्फर्ड उनके लिए चिंतित है। जैसे ही वेन फैमिली थिएटर के अंदर घुसती है तो वहाँ लाइट चली जाती हैं। गार्ड आता है और कहता है कि मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, इस बिल्डिंग की पावर जा चुकी है और सबको वहाँ से बाहर निकलना होगा। ब्रूस कहता है कि पास में ही एक दूसरा थिएटर है, हम वहाँ जाकर मूवी देख सकते हैं। जिस पे मार्था कहती है कि ब्रूस हम अगले वीकेंड आकर इस मूवी को देखेंगे, जिस पे ब्रूस कहता है कि मैं आज ही इस मूवी को देखना चाहता हूँ और थिएटर से बाहर भाग जाता है। भागते हुए वो एक आदमी से टकराता हुआ गुजरता है। वो आदमी कहता है कि देख के चलो बच्चे, जिस पे ब्रूस कहता है कि मुझे तुम्हारा कहा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। जिस पे वो आदमी पीछे मुड़कर ब्रूस को देखता है और कहता है तो तुम वेन के बच्चे हो। इतने में थॉमस और मार्था वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि उस आदमी ने ब्रूस के सिर पे गन लगाई हुई है। थॉमस उस आदमी को कहता है कि तुम बच्चे को कोई नुकसान मत पहुँचाओ, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। अब वो आदमी बच्चे को पीछा धक्का देकर मार्था का हाथ पकड़ता है और थॉमस उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। अब हमें दो गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। हम देखते हैं कि थॉमस और मार्था मर चुके हैं और हत्यारा भाग चुका है। पुलिस वहां आती है और ब्रूस को सही सलामत अपने साथ ले जाती है। ब्रूस अभी भी सदमे में है। अगला सीन थॉमस के घर का है, जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक पुलिसमैन अल्फर्ड को लेकर आता है। अल्फर्ड कहता है कि मैं पुलिस की मदद कर सकता हूँ, जिस पे ऑफिसर कहता है कि मैं तुम्हारे मरीन्स और सिक्योरिटी में होने के बैकग्राउंड को जानता हूँ, लेकिन ये मामला हम हैंडल कर रहे हैं। ऑफिसर के साथ खड़ी एक लेडी अल्फर्ड को कहती है कि हमें तुमसे किसी और चीज़ के बारे में बात करनी है, उनके बेटे ब्रूस के बारे में। क्या तुम जानते हो कि मरने के बाद वेंस ने तुम्हें उसका लीगल गार्डियन बनाया है? जिस पे अल्फर्ड कहता है कि मैं किसी का पिता नहीं हूँ। तब वो लेडी कहती है कि हमारी जानकारी के अनुसार तुम्हारी एक बेटी है, जिस पे अल्फर्ड कहता है कि वो अपनी माँ के साथ रहती है। मेरा मतलब था कि मैं किसी का गार्डियन बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वेंस को किसने मारा। जिस पे वो लेडी कहती है कि ये तो पुलिस का काम है, मेरा काम तो बस इतना है कि बच्चे के साथ क्या होगा। वो किसी से बात नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं खा रहा। वेंस और अकरम की फैमिली में सब मर चुके हैं, इसीलिए ब्रूस का कोई रिलेटिव नहीं है जिसके पास ब्रूस को भेजा जा सके। अगर तुम मना कर दोगे तो हम उसे अनाथालय भेज देंगे। अल्फर्ड ब्रूस की तरफ देखता है और उसके सामने रखी चेयर को खिसकाता है और चेयर पे बैठ जाता है। अब वो ब्रूस को कहता है कि तुम्हें कुछ खाना होगा। ब्रूस अल्फर्ड को गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम कौन हो। अब अल्फर्ड गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। प्रेजेंट में अल्फर्ड एक पुराने कमरे में एक खिड़की के पास खड़ा है। बैटमैन उस कमरे में आता है, उसके हाथ में उसका वो टूटा हुआ डिवाइस है। अल्फर्ड बैटमैन की तरफ देखता है और कहता है तो अब ये तुम्हारी ज़िंदगी है। ब्रूस अपना मास्क उतारता हुआ कहता है कि तुम हार मान सकते हो लेकिन मैं नहीं। शहर में कहीं डिटेक्टिव गॉर्डन कुछ आदमियों के साथ एक कब्र के पास खड़ा है, ये शायद उसकी बीवी की कब्र है। क्रिश डिटेक्टिव को कहता है कि क्या आप और कुछ कहना चाहते हैं, और वहाँ पे चुप्पी छा जाती है। गॉर्डन अपना चश्मा हटाता है और अपने आंसू पोंछता है। अगले सीन में डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस में मौजूद है। वहाँ पे एक केस आया हुआ है जिसमें किसी की बेटी जो 15 साल की थी वो पिछले 12 घंटे से गायब है। उसके कमरे की खिड़की बाहर से खोली गई थी और उसके तकिए पे जन्मदिन की मोमबत्तियाँ रखी हुई थी। पुलिसमैन उन कैंडल्स पे फिंगरप्रिंट्स की जाँच कर रहे हैं, तभी वहाँ पे डिटेक्टिव की बेटी बारबरा आती है। डिटेक्टिव गॉर्डन अपनी बेटी को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि अंधेरा होने के बाद पुलिस स्टेशन मत आना। जिस पे बारबरा कहती है कि आप डिनर भूल गए थे, ये लसानिया रेसिपी है माँ के जैसी बनाई हुई। गॉर्डन कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ कर आता हूँ। तभी एक ऑफिसर आता है और डिटेक्टिव को कहता है कि कैप्टन तुम्हें बुला रहा है। बारबरा कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बस पकड़ कर चली जाऊंगी, मैं गौतम सिटी में बड़ी हुई हूं और अपना ध्यान रख सकती हूं। डिटेक्टिव बारबरा को कहता है कि आज के बाद तुम कभी पुलिस स्टेशन मत आना। वो बारबरा के माथे को चूमता है और कैप्टन से मिलने चला जाता है। हे गाइस, तो बैटमैन अर्थ 1 वॉल्यूम 1 का ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। But if you close your eyes